अब हम दो प्रॉब्लम देखेंगे। जो पहला प्रॉब्लम आपका बेस्ड है ओनली कंट्रोलिंग टॉर्क पर, और दूसरा जो प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो देखते हैं, मूव करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। द क्या दिया प्रॉब्लम, द टॉर्क ऑफ एन अमीटर वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द करंट थ्रू इट। मैंने चीज को वहां बताया था कंट्रोलिंग टॉर्क में। ओके, इफ अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, इफ अ करंट ऑफ 10 एम्पियर प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 90 डिग्री, वॉट डिफ्लेक्शन विल अकर फॉर अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो यहां पर देखिए, जब 10 एम्पियर करंट हो रहा है तो उसमें डिफ्लेक्शन कितना बता रहा है, 90 डिग्री। तो 5 एम्पियर में कितना होगा ये आपको निकालना है। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज, पहला स्प्रिंग कंट्रोल, मैंने बताया था कंट्रोलिंग टॉर्क में दो मेथड्स होते हैं, एक स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा ग्रेविटी कंट्रोल। तो दोनों ही बताया है, मगर इसके दोनों के रिलेशन अलग अलग होते हैं थीटा के साथ। कैसे देखिए, चलिए सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। गिवेन I1 करंट कितना दिया है 10 एम्पियर, डिफ्लेक्शन कितना थीटा 1 90 डिग्री, और I2 5 एम्पियर। ओके, ये आपका गिवन डाटा है। नेक्स्ट, टॉर्क जो है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, आई स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनली रहता है, दैट इज टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। सो इस केस में हम लोग ये, क्योंकि आपको क्वेश्चन में भी दिया है, देखिए द टॉर्क ऑफ एन एमीटर वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द करंट थ्रू इट। इससे मेरे को पता चल रहा है कि जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि मूविंग आयरन में क्या होता है, जो मेरा टॉर्क रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर रहता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो स्प्रिंग कंट्रोल में क्या होता है, डिफ्लेक्शन किसके बराबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है थीटा के। डिफ्लेक्शन मतलब क्या, करंट का डिफ्लेक्शन। तो दैट इज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई थीटा। तो आई जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा है तो रेशियो क्या हो जाएगा, I1 by I2 इक्वल्स θ1 by θ2। ओके, तो यहां पर I1 और I2 की वैल्यू दिया गया है, पुट अप कर दीजिए, दैट इज 10/5। θ1 की वैल्यू दिया 90 डिग्री, मत θ2 मेरे को फाइंड आउट करना है। तो θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री। मतलब सीधा देखिएगा, अगर मैं करंट के वैल्यू को हाफ कर दे रहा हूँ, 10 एम्पियर से अगर मैं 5 एम्पियर कर रहा हूँ, तो डिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, सिमिलरली 50% का ही क्या हो रहा है डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब 90 होगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, मगर इसको आपको सॉल्व करके बता रहा है। नेक्स्ट है ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल में क्या है, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ओके, तो यहां पर डिफ्लेक्शन मतलब I1 upon I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, मतलब sin θ1 upon sin θ2। सो sin θ1 की वैल्यू दिया गया है आपको कितना, 90 डिग्री। sin θ2 आपको निकालना है, तो sin θ2 बराबर क्या हो जाएगा, θ1 की वैल्यू दिया 90 डिग्री, तो sin θ1 मतलब sin 90 डिग्री। sin θ2 की वैल्यू निकालना है आपको, तो क्या हो गया, sin θ2 बराबर sin θ1 into I2 upon I1। ओके, तो यहां पर वैल्यू को रख दीजिए, यहां पर क्या मिल गया, sin 90 का था 1। ओके, और 5 को कैंसिल कर दीजिए, 1/2। तो 1/2 मतलब θ2 की वैल्यू क्या होगी, sin inverse 1/2, तो क्या होगा, sin 30 डिग्री, दैट इज θ2 इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको रिलेशंस को याद रखना है। और ये जो प्रॉब्लम है मैंने बताया है कंट्रोलिंग टॉर्क प्लस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों पर बेस्ड है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, अ PMMC एमीटर हैज अ रेक्टेंगुलर कॉइल 2 cm x 3 cm, मतलब इसका एरिया दिया है, विथ 100 टर्न्स एंड इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डेंसिटी 0.1 Wb/m². मतलब सिंपल आपको क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ रहा है, एरिया दिया है, एन दिया है और मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड की डेंसिटी दी गई है। तो द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज 2 × 10⁻⁷ N·m/degree। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी गई है, फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल व्हेन इट कैरीज द करंट ऑफ 10 mA DC, यहां ध्यान देंगे, और 10 mA AC। तो कैसे होगा, देखिए यहां पर सॉल्यूशन को देखेंगे अब हम। तो चलिए सब सॉल्यूशन देखिए, तो गिवन दिया है एन 100 टर्न्स, स्प्रिंग कांस्टेंट KC की वैल्यू 2 × 10⁷ N·m, और मैग्नेटिक फील्ड B 0.1 Wb/m². तब देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर क्या होता है, फॉर ए करंट आई, करंट आई के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर TD इज इक्वल्स टू NBIL × R, NBIA होता है, तो A बराबर L × R, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया है वहां पर मीटर में, तो इसको सॉरी सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपको N दिया है 100, B दिया है 0.1, I आपको नहीं मालूम है, इसको एज इट इज रख दीजिए। L की वैल्यू दिया है 2 cm, दैट इज 0.02 m, और सिमिलरली R मतलब 3 cm दिया है, तो क्या हो जाएगा, 0.03 m। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आई के टर्म्स में मेरे को आंसर मिलेगा, दैट इज 6 × 10³ I न्यूटन मीटर।
अब देखिए, बट कंट्रोलिंग टॉर्क फॉर 1 डिग्री डिफ्लेक्शन, 1 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए मेरा जो कंट्रोलिंग टॉर्क मतलब इसका वैल्यू दिया कितना है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर, यहाँ दिया गया ना स्प्रिंग कॉन्स्टेंट -7, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर, ओके। ये मेरा क्या है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, मतलब ये कंट्रोलिंग टॉर्क। तो कंट्रोलिंग टॉर्क फॉर 1 डिग्री डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई। अब देखिए, तो इस कंट्रोलिंग टॉर्क 1 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना होगा, यहाँ मैंने आई के टर्म से निकाला है, बाकी आई की वैल्यू को पुटअप नहीं कहते, यहाँ से क्या करेंगे हम आई की वैल्यू को पुट कर देंगे, कब, जब डिफ्लेक्शन टॉर्क फॉर 10 mA करंट, आपको क्वेश्चन में दिया ना 10 mA DC और 10 mA AC, तो 10 mA के लिए पुटअप कर दीजिए, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या मिल गया मेरे को, 6 × 10⁻³ × 10 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिल गया, 6 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर, जो मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है फॉर 10 mA करंट के लिए। अब सपोज करिए कि लेट डिफ्लेक्शन विद थीटा सो दैट द कंट्रोलिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहां 1 डिग्री के लिए इतना डिफ्लेक्शन है, तो थीटा के लिए कितना हो जाएगा, थीटा के टर्म्स में आंसर आएगा, तो कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी बराबर 2 × 10⁻⁷ थीटा न्यूटन मीटर। अब थीटा की वैल्यू क्या होता है, और स्टेडी स्टेट में क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ओके। तो कंट्रोलिंग टॉर्क की वैल्यू यहां से मैंने फाइंड आउट किया है थीटा, और टीडी की वैल्यू यहां से फाइंड आउट किया है, तो वैल्यू को पुट अप कर दीजिए, यहां से थीटा का जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री। तो ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क पर बेस्ड है, इसलिए आपको दोनों की जो इक्वेशन है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मेरे को क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है, ओके। तो 10 mA DC के लिए मैंने निकाल दिया कितना है डिफ्लेक्शन उसके में, 30 डिग्री। मगर AC के लिए क्या होता है, इन केस ऑफ AC द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल विल बी जीरो, सीधा सीधा जीरो होता है, क्योंकि उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, जो वेवफॉर्म मिलती है अपनों क्या प्लस माइनस मिलता है, तो इसीलिए इन केस ऑफ AC द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल विल बी जीरो, दैट इज नो डिफ्लेक्शन, उस केस में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, सिंस एवरेज टॉर्क इज जीरो इन केस ऑफ एन AC। जो जब आप उसका एवरेज टॉर्क निकालते हैं तो वो क्या रहता है, जीरो रहता है, तो अगर वो एवरेज टॉर्क जीरो रहा तो मेरा कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं बताएगा, फोर्स ही नहीं एग्जर्ट होगा, तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, उस केस में डिफ्लेक्शन की जीरो हो जाएगी। ओके, थैंक यू।